नमस्ते साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ कुमार और आपको बता दें कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास 10:30 बजे होने जा रही है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर जो घमासान मचा था और जिस तरह की बातें लगातार कही जा रही थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और फिर बाद में लगातार इंतजार के बाद 14,700 पदों की जो सूची भेजी गई थी शिक्षा विभाग से BPSC को, और सब पर पानी फिर गया। मुझे लगता है कि जो सरकार का दबाव था और जिस तरह से शिक्षा विभाग और BPSC काम कर रही थी, तो इन मुद्दों को लेकर जिस तरह से घमासान मचने के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर आए और जितने भी लोग 1 नंबर 2 नंबर जो टाई ब्रेकर हैं, यानी उतना ही कटअप को पार कर लिए हैं, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह है कि कल 10:30 बजे राज्य के विभिन्न जिलों से सुन रहे हैं उनको, उनको कल आना है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लेकर फोटोकॉपी लेकर आपको मौजूद होना है। आप याद रखेंगे 10:30 बजे 6 मार्च 2024 गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास। साथियों, अभी आपको हम अपडेट करा दें कि जो बातें थी अब उस चीज़ को पर आगे बढ़ने की बात है, तो मुझे लगता है कि सब चीज़ों पर सरकार ने मटिया मेट कर दिया, चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर हो, चाहे STT अपीयरिंग की मांग को लेकर हो, चाहे 10 वर्ष की छूट की मांग को लेकर हो। तो सरकार की अगर गतिविधि इन सारे मुद्दों पर अगर नहीं है, तो क्या अब आपको लगता है कि जब चुनावी मोड में, आपको याद है, आपको पता है कि अब इसी 4-5 दिन के बाद जो है अधिसूचना जारी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग आम चुनाव के लिए जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, उसको जारी कर देगी। तब जब कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार जो चीज़ें सामने आएंगी प्रोटोकॉल के अनुसार, अब तो वैकेंसी की बात नहीं होगी। अब तो जो वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी आएगी आपको मई महीने के बाद ही आएगी। तो क्या TRE 3 में जो मांगे थी 10 वर्ष की छूट, क्या वो गलत मांग थी? और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा लगातार बोल रहे थे कि इनको 10 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, STT अपीयरिंग को भी मौका हम दिलवा के रहेंगे। और जितने भी TV चैनल में जो पत्रकार मधुओं के सत्र जो संवाद होता है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या मीडिया ब्रीफिंग के तहत जितने भी BJP के स्पोक्स पर्सन हो या JDU के स्पोक्स पर्सन हो, तमाम जगहों पर अपने गोल गोल लक्ष्यदार बातों से शिक्षक अभ्यर्थियों का मन जीतने का प्रयास किए। कई चैनल के डिबेट में हम स्वयं शामिल होते हैं, तो ये पता चलता है कि उनकी बातों में किस तरह की गंभीरता है। तो सरकार के समक्ष अब महागठबंधन की सरकार नहीं है, अब बिहार में NDA की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। आप स्पष्ट समझ लीजिए कि BJP के दोनों प्रमुख नेता जो आज DC हैं, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा बिहार में विरोधी दल के नेता हुआ करते थे विधानसभा विधान परिषद में, और लगातार सप्लीमेंट्री दल के मांग को लेकर जब हम लोग उठाते थे तो स्पष्ट बोलते थे। आपको याद होगा कि 14 फरवरी 19 फरवरी के दिन भी कई शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग गए थे मिलने। तो क्या इस तरह की गंभीरता पर क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि अगर आपने शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास किया, या आपके मन में इस तरह के सवाल हैं कि बिल्कुल मांग जायज है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,700 कोई कम पद नहीं होता है, और ये BPSC चेयरमैन जो अब रिटायर कर गए हैं श्री अतुल प्रसाद जी स्पष्ट बोलते थे कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, और ट्वीट भी किया था कि हम तैयार रिजल्ट की तैयारी में हैं। तो क्या रिजल्ट की तैयारी के संदर्भ में किसी प्रकार का दबाव, और लगातार ये कहा जा रहा है कि हम तीसरे फेज की बहाली तुरंत निकाल दिए सीटों को जोड़कर। आपको पता है कि TRE 1 में भी इस तरह की चीज़ें हुई, सीटों को बचाया गया, 4700 पद की सूची भेजी गई और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। शिक्षा विभाग अगर इस तरह की काम कर रही है, शिक्षा विभाग में अगर इस तरह से लेट लतीफी चल रहा है, तो साथियों अब जो बातें हैं जिसको लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी, उसके लिए कोर्ट केस ही एकमात्र और अंतिम विकल्प है। क्योंकि सरकार की गंभीरता पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, परंतु कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना है, कानून का सम्मान सब को है, और कानून कहता है कि जो एविडेंस, जो प्रमाण अगर आप कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, उसी के आधार पर फैसले होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग को जो सूची भेजी गई थी 14,700 पदों की जो नोटिफिकेशन है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, क्योंकि बैठक बार बार नहीं होती है, बैठक अब कल के बाद एक और हो सके बैठक हो, लेकिन आपसे उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में गांधी मूर्ति के पास आप जमा होइए अपने डॉक्यूमेंट के साथ, और जो भी चीज़ें होंगी हम लोग मिल बैठकर आगे काम करेंगे।
और उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के पक्ष में फैसला देगा। TRE2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उसको लेकर किसी का उम्र खत्म हो गया है, कोई तीसरे फेज के बहाली में बैठ नहीं सकता है और वो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, अगर आपका कम भी है तो निश्चित रूप से आप इस बैठक में आए अपने डॉक्यूमेंट के साथ। और उम्मीद करते हैं कि सारी समस्याओं का जड़ अगर बिहार सरकार लेट लतीफ़ी और घोर मट्ठा करने का प्रयास है तो TRE1 में जिस तरह से केस हुआ दर्ज, उसी तरह से TRE2 में भी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग जाएंगे और अपील करेंगे कि जो सरकार की गंभीरता है, जो आदेश शिक्षा विभाग ने BPSC को दिया या जो चिट्ठी निकाली गई नोटिफिकेशन के बेस पर, उसके आधार पर मुझे हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र तीसरे फेज के बहाली में ख़त्म हो गया है, सेकेंड फेज के बहाली पर वो बैठ सकते थे और उन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, निश्चित रूप से अपनी मांग को लेकर अपनी सरकार के पास हम लोग जाने का प्रयास किए, लेकिन वो मांग पूरा नहीं हुआ, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है साथियों, कल मिलते हैं 6 तारीख को गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी बात आप तक पहुँच सके और आपकी समस्याएँ हम तक पहुँचाने का जो प्रयास है आपका वो हम तक पहुंच जाए ताकि जो समस्याओं का समाधान है वो हम कर सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।